Bien, bastante se va a vivir. Y vamos a ver, pues, pregunta que aquí hay de gente que entiende que se tiene que crecer. Bueno, claro, no te voy a ir, pero yo no me caza, pues le hago el peniche, lo va a decir que no, pero va a volver y me dejen por ahí, andar a carne que le. A mí que yo voy a ir, pensé. रिकॉर्ड सवाल ये पहुंचा है कि हवास से खमसा के अलावा एक छठी हिस्स भी बयान की जाती है, इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई इंसान मुस्तकबिल में होने वाले उमूर को नजारे की शक्ल में कबल अज़ वुकू देख सकता है? अल्लाह ताला दिखा सकता है तो उसकी हिस्स भी उसने पैदा की होगी। खुदा ताला ने इंसान को जो कुछ अता करना हो उसकी बुनियादी सलाहियतें अता करता है तो उनको इस्तेमाल फरमाता है। इसीलिए ये अजीब कानून कुदरत है कि बाज़ दफ़ा बिल्कुल बेदीनों को भी एक सच्ची रह आ जाती है, ये वही की एक झलक अता हो जाती है, और बाज़ दफ़ा साबित है कि कंचनियों को भी इल्हाम हो गया। बस ये जो एक गैर मामूली होने वाला वाकया है, ये खुदा ताला के वजूद की शहादत की छींटे हैं जो कुल आलम पर पड़ते रहते हैं। लेकिन वो सलाहियत उनमें साबित, ये बात साबित हो गई कि उनके अंदर खुदा ताला के पैगाम वसूल करने की सलाहियत थी, जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल से की खबरों से भी हो सकता है और कई असरार से पर्दा उठाया जा सकता है। तो हर शख्स में जैसे खुदा को से एक सिलसिला रस्ल रसायल कायम करने की सलाहियतें बख्शी गई हैं अगर खुदा चाहे, तो उसी तरह इंसान को मुस्तकबिल के मुतल्लिक कुछ किसी हद तक एक मुबम सा शऊर भी अता फरमाया गया है, ताकि ये गवाही भी हो जाए कि इंसान मुस्तकबिल के खुदा ताला भी मुस्तकबिल पर जो नजर रखता है तो ये उसकी शान के मुताबिक है, और वो अकल जो तुम्हें खुदा ने अता की है उस पर एतराज़ नहीं कर सकती। ये हिकमत है कि पैरासाइकोलॉजी की मजमून में ये बहसें भी उठाई गई हैं और तहकीक की गई है कि एक इंसान खुदा के हवाले के बगैर किसी हद तक किसी आने वाले वाकयात पर कभी अचानक इतला पा सकता है। ये बहस है और इस सिलसिले में बहुत से मुबाद इकट्ठे किए गए हैं, तो इसको सिर्फ इसी बात को नहीं, पैरासाइकोलॉजी ने और भी ऐसे मजामीन का अहाता किया है जिनका ताल्लुक हवास खमसा से करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हवास खमसा मौजूद मादे की मुख्तलिफ शक्लों से इस्तेफादा करते हैं, खबर रेडियाई शक्लें हों या जाहिर दिखाई देने वाली शक्लें हों। अगर ठोस चोट पड़ती है और जिसमें तकलीफ महसूस करता है तो ये भी मादे की एक शक्ल है, रोशनी आंख पर पड़े तो आंख देखने लगती है, ये भी मादे की एक शक्ल है। मगर कोई भी हवास खमसा की सलाहियत ऐसी नजर नहीं आती जो मादे की मदद के बगैर कोई शऊर हासिल कर सके। इसलिए साइंसदानों ने बजाय ये कहने के कि हवास खमसा में कुछ गैर मालूम खवास भी पाए जाते हैं जिनकी शहादत कभी कभी मिलती है, मगर साइंस के की दुनिया में हम उनकी कोई वजह पेश नहीं कर सकते, उन्होंने ये मुहावरा ज्यादा पसंद किया है कि एक सिक्स सेंस पैदा हो गई है, वो एक और भी शऊर की किस्म है जिसका हवास खमसा से ताल्लुक नहीं है, वो छठी हिस्सा है, और उस छठी हिस्से को इंट्यूशन भी कह देते हैं रोजमर्रा की जुबान में। किसी चीज को, किसी चीज, किसी वजूद को, किसी माँ को एक घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं मेरा बच्चा ठीक नहीं है, और वाकयातन पता चलता है कि ऐन उस वक्त उस बच्चे को हादसा पेश आया है। ये छठी हिस्से की मिसालें हैं जिनका इल्हाम से ताल्लुक नहीं नजर आता, क्योंकि नेक और बद सब में बराबर इसी किस्म के इत्तेफाकी हादसात होते रहते हैं। बाज़ साइंसदानों ने जब इस पर जस्तजू की
تو باقاعدہ جس طرح سائنسی تحقیق کے بعد خاص شرطوں کے ساتھ کوائف اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس قسم کے واقعات کی چھان بین کی گئی، ان کے کوائف اکٹھے کیے اور بعض حیرت انگیز باتیں سامنے آئیں. مثلا یہ بھی دعویٰ ہے محققین کا کہ بعض جڑواں بچوں میں اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ ان کی چھٹی حص، پانچ حصے نہیں بلکہ چھٹی حص اس تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے اور اس تعلق میں کار فرما دکھائی دیتی ہے. ایک جڑواں بچے کو کسی دور جگہ الگ بھیجا گیا تھا، وہاں اس سے ایک حادثہ پیش آ گیا اور اس بچے کو ایسی تکلیف شروع ہوئی کہ تڑپنے لگا اور کسی طرح علاج نہیں ہو رہا تھا. پھر جب خبر آئی اور اس بچے کے ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وہ بچ گیا تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہوا. یہ ایک مثال ہے، اور بہت سی مثالیں اس بات کی ہیں کہ چھٹی حص، جس کو چھٹی حص کہتے ہیں، وہ انسانوں میں ضرور کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مگر شاذ کے طور پر. اب یہ بحث الگ ہے کہ وہ چھٹی حص ہے یا ہر حص میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف صلاحیت بخشی ہوئی ہے جو انسانی عقل کی پہنچ سے بالا ہے، اور اس لطیف صلاحیت کو اللہ تعالیٰ جب چمکاتا ہے تو اسی کے ذریعے اپنا رابطہ کرتا ہے. اور میرا ذاتی رجحان اس بات کے حق میں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے الہام کا تعلق پانچوں حصوں سے ہے، احساسات سے بھی ہے، نظر سے بھی ہے، کانوں سے سنوائی سے بھی ہے، اور گرمی سردی کے احساس سے بھی ہے. رضی کے پانچوں حصوں سے اللہ تعالیٰ کے انسان سے تعلق رکھنے ان پانچوں حصوں سے خدا جب رابطہ پیدا فرماتا ہے تو قطعی ثبوت مہیا ہوتے ہیں کہ ان پانچوں حصوں سے الگ الگ یا اکٹھا رابطہ ممکن ہے. اور عالم کشف میں واضح پانچوں حصوں کا رابطہ معلوم ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو چھٹی حص قرار دیا جائے، میرے نزدیک پانچوں حصے خدا تعالیٰ نے ظاہری مشاہدات کے لیے بھی عطا فرمائی ہیں اور یہی پانچوں حصے باطنی مشاہدات کے لیے بھی عطا فرمائی ہیں. اور باطنی مشاہدات میں ان حصوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان سے تعلق قائم فرماتا ہے. ٹھیک ہے.